कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी, नैहर में भैंस का गोबर उठाई, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी, ओ माय गॉड ये झाड़ू है। झाड़ू से क्या होता है? ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से। नैहर में चपरासी के काम आई आके झाड़ू क्या होता है, मार दू झाड़ू वही से होशे में आ जाइए। काम मतलब काम होता है आपका, कहीं क्या जानती हो? हम ब्यूटिशियन जानते रहे, बकलो लिया कहीं का ब्यूटिशियन जानते हैं। अरे जरा सोचो, अगर कोई लड़का कहे कि लड़की वाला है और लड़की वाला कहे कि लड़का क्या करते हैं, तो लड़का कहे कि हम सेविंग करना जानते हैं, दाढ़ी मोछ बना लेते हैं। रे चोट्टा कहीं का दाढ़ी मोछ तोर है तो तोर बाप आके बनाएंगे अपने। कोई भी दाढ़ी मोछ ट्रिमर लेके बना लो, क्या जाता है? सेविंग करना है तो छील लो, लड़की को कौन चीज जाता है? पोत पात लो, प्राइमर क्रीम मॉइस्चराइजर पोत पात लो। ससुरी अपने सजने के लिए कहते ब्यूटिशियन का कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स, आठ को क्रीम हमारे लिए ले दो, आठों पोत देंगे। ब्यूटिशियन हो गई, वहां पर हो गया आठ, ब्यूटिशियन का कोर्स जानते। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं, ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, इंगेजमेंट के बाद ही 6 महीना में सीख लेना, और नहीं सीखेगी ना तो इंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है देखो। लड़कियों को भी कहते हैं नारे नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना नेचुरल नेचुरल होता है, फिर वही लड़कवा आगे जाके भोदा होगा, लोन हो जाएगा, कहेंगे तो कहेंगे से कि हमारा लड़कवा ना पिछला लड़कवा भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। तो एक फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, और पति चोर निकल गया तो चोटी नहीं तो पति खराब है साले का, अद है भैया। अच्छा है तो पति का दे, खराब है तो वो चला गया। तो ये रिलैक्सिंग हार्मोन याद रखिएगा, काम में कोई ढिलाई नहीं करने दीजिएगा, काम करने दीजिए, खाना बना, हाँ वजन मत उठाने दीजिएगा, यही नहीं कि बेचारी कपड़ा धोई है तो बड़का पार्टी लेके ऊपर जाए, कपड़ा धुलते रहेंगे, हाँ आप छत पे ले जाना है तो आप कपड़ा लेके चले जाइए, ये सब काम, लेकिन काम करने दीजिएगा, वरना हाल यही हो जाएगा, ऑपरेशन से करना। और महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, याद रखिए भैया, ससुराल में वो कुछ नहीं करना चाहती आपको। शादी हो जाएगी ना तो आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाइएगा, वो देखिएगा सुबह आज उसको मायके जाना है तो खूब तैयारी करेगी, सामान वामान लाद के, और मायके उतरते ना मम्मी से मिलेगी, नन अपने छोट बहन से मिलेगी, देखिएगी छोट बहन खाना खा बना रही है तो हेल्प करने लगी, मतलब कोई थकान नहीं, नैहर उतरते। लेकिन उसी महिला को अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाइएगा तो जब वो सेम दूरी है आते कहेगी बहुत थक गए हैं, थकान हो गया, रे ससुरी कहीं के जाते में उतने। सीबीएसई वाली और नखरा होती, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट, अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट, तोरा ना पता है कि कैसे हुई है। एगो कह रहा है कि सर हम तो शादी करने से पहले पूछेंगे तो खान सर के यहाँ पढ़ी है कि नहीं तब भी आ करेंगे। और देखो कुछ लड़बो करती है, कम से कम मेरी बीवी तो इतनी अच्छी है ना, खाना भी अच्छा बनाती है, कढ़ाई बिनाई सिलाई हर चीज कर देती है, घर को भी संभाल लेती है, दुगो बातें बोल दी तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि देहात में कहा जाता है ना दुधारू गाय का आदमी दुगो लातों सह लेता है, मतलब आजकल की मेहरारू सब ससुरी कुछ जन्मो नहीं करती है सर लातों चलाते, बिसुकल गाय लात चलाएगी, बांध देगा आदमी खूंटे में खानो ना दे।